जय हिंद बच्चों, क्या हाल अंकित सर? ठीक है सर, आज आपने थंबनेल लगवा रखा है सावधान बच्चों। हाँ अंकित सर, बच्चों को सावधान करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, आज भी बच्चे पूछ रहे थे सर, सोशल मीडिया में चल रहा है कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए, और नीट पोस्टपोन क्यों होना चाहिए उसके लिए बच्चों ने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं। आपको पता है, आपने भी देखा है। जी सर, जरा बताइए क्या क्या है। बच्चों ने सर बहुत लेटर लिखा है सर, और एक तो पहला पॉइंट ये दिया है कि काउंसलिंग काफी डिले हो गई इस बार। ये बात बिल्कुल सही है, काउंसलिंग डिले हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मॉपअप राउंड जो था वो तो अभी मात्र 3 दिन पहले समाप्त हुआ, 3 दिन पहले तक खत्म हुआ। और तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम भी देते हैं और जेईई मेंस का एग्जाम भी देते हैं। हाँ। तो 3-4 दिन के डिफरेंस पे ये दोनों एग्जाम है। एक और बात है कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी उसी के आसपास है। जी जी, तो ये सब सारे तर्क अपने हिसाब से ठीक है अंकित सर। हम बच्चों को सावधान ये करना चाहते हैं कि बच्चा लोग इस र्यूमर में मत पड़ो, 17 जुलाई की डेट को कन्फर्म मान के अपनी तैयारी करते रहो। इस तरह की चीज़ें अभी और चलेंगी सोशल मीडिया में, बहुत सारे वीडियो आएंगे। 17 जुलाई को बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिए, मुझे नहीं लगता नीट पोस्टपोन होगा। अगर 0.00001% कुछ हुआ तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आप बिल्कुल 17 जुलाई पे फोकस करिए हर हाल में, और बिल्कुल फोन और मैसेज मत करिए कि सर नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं। ठीक है ना कि सर? तो थैंक यू सो मच बच्चों, टाइम टू टाइम आपको अलर्ट करना बहुत जरूरी है, और ये भी बताना जरूरी है कि क्या चल रहा है आजकल नीट को लेकर। तो अगर आपने इस तरह की न्यूज के चक्कर में नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए, नीट अपने टाइम पर ही होने जा रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीट की से रिलेटेड जितनी भी मैराथन क्लासेज होने जा रही है उनको अच्छे से अटेंड करिए। कल शाम को 4 बजे हम आपको 2 चैप्टर कराने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर और मेंडलिज्म, और आप देखेंगे नीट के पेपर में जो रैपिड फायर कराया गया होगा उसी से आपको पेपर मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, एक टीचर होने के नाते, एक गाइड होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, टीम यूनाइट की जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम आपको आगाह करते रहें। इस तरह के किसी भी उम्र में मत पढ़िए, पेपर आपका टाइम पे होगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।